एमकेएम रुकने से असेंबली कंवर नवीद जमील ब्रेन हैमरेज का शिकार, तबीयत नासाज। एमकेएम डिप्टी कन्वीनर कंवर नवीद जमील को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, ये बताना है तर्जुमान का। कंवर नवीद जमील निजी अस्पताल के आईसीयू में दाखिल हैं और तर्जुमान की जानिब से आवाम से दुआओं की अपील की गई है। एमकेएम रुकने सिंध असम्बली कुंवर नवीद जमील ब्रेन हैमरेज का शिकार हुए हैं और उनकी तबीयत नासाज है। तर्जुमान एमकेएम की जानिब से ये तफसीलात जारी की गई हैं कि एमकेएम डिप्टी कन्वीनर कुंवर नवीद जमील को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इस वक्त उनकी तबीयत कैसी है ये जानेंगे। ब्यूरो चीफ कराची असलम खान हमारे साथ मौजूद हैं। असलम बताइएगा। देखिए मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के डिप्टी कन्वीनर है, रुकने सिंध असम्बली है, जो सिंध असम्बली का हल्का 127 है उससे मुंतखब हुए कंवर नवीद जमील। इनकी तबीयत इंतहाई तशवीशनाक है, निजी अस्पताल के आईसीयू वार्ड में उन्हें रखा गया है। तर्जुमान एमकेएम के मुताबिक गुज़िश्ता रात भी वो सिंध असम्बली के इजलास में मौजूद थे, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से उन्हें ब्रेन हैमरेज हुआ जिसके बाद उन्हें निजी अस्पताल में अब मुंतकिल किया गया। तर्जुमान ने कहना है कि इस वक्त उनकी हालत के हवाले से कहा जा सकता है कि तशवीशनाक हालत है। शहरियों से आवाम से ये दरख्वास्त की गई है एमकेएम की जानब से कि उनके लिए दुआ सहर की अपील है, उनके लिए दुआ की जाए। तो तशवीशनाक हालत है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के डिप्टी कन्वीनर कंवर नवीद जमील की। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका असलम।